हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीएस 012 में कैसे कैसे गेस क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, और काफ़ी लोग के एग्ज़ाम्स भी हैं एमसीएस 12 के, तो उसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फर्स्ट गेस पेपर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एट -28 एंड -32 इज़ द बाइनरी यूजिंग 8 बाइट रजिस्टर यूजिंग एंड साइन वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों निकालना है। और ये वंस कॉम्प्लीमेंट, और सबसे पहला बात कि जो भी यूनिट ब्लॉक वन है एमसीएस 012 का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 और 2। तो बेसिकली इन दोनों को करके जाना ताकि आप लोग को आसानी हो इसको कवर करने में। यहाँ मैंने वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट का बना रखा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर +36 है और प्लस अगर हम लोग को माइनस में चेंज करना है तो एज इट इज़ कैसे चेंज होता है, जीरो और वन लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कवर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप एंड ड्रॉ द सर्किट यूजिंग एंड और नॉट गेट, ठीक है। इसका नॉर गेट और एंड गेट बनाना है। ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। रैम और एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसका डिफरेंस बिटवीन करना बहुत ही आसान है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जाके देख लेना, और जितने भी सभी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो कर लो, सॉल्व करो खुद से। जो नहीं आता है इसका, कल हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसको सॉल्यूशन का, कम से कम एक गेस पेपर को सॉल्यूशन करके ज़रूर डाल देंगे, सो डोंट वरी। और इसको ज़रूर लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। सो लुक एट दैट, मोस्टली इग्नू 5 क्वेश्चन से प्रोवाइड करता है, और अगर एग्ज़ाम भी उससे बताया जाए तो जिसमें से 1 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, 40 मार्क्स उससे हम लोग को वहाँ से मिल पाता है। एंड देन इन 4 में से कोई एक कट ऑफ करना होता है, 2, 3, 4, 5 में से किसी को भी एक कट कर सकते हो, और बाकी को भी कवर करना पड़ता है। उसके अंदर का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कवर करना होता है, जैसे कि IEEE वाला फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोटिंग पॉइंट। अगर मुझे कल पॉसिबल हो पाता है तो मैं इसकी भी वीडियो, 2 वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूँगी, एंड के मैप वगैरह भी मैं सोचूँगी कि एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको टोटली कंप्लीट कर लो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम भी हो में, एग्ज़ाम हॉल में। और वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो फॉर द आंसर, एंड टेक केयर, बाय बाय।